नगर परिषद जो है जो 13 पार्षद चुन के आए उन्हीं में से नगर परिषद में है और मीनू गुप्ता जी को आने वाइस चेयरमैन का। आज वहाँ पर जो मीटिंग हुई है जो भी कुछ वो मतलब हुआ है हम वहाँ पे वैसे ही गए थे घूमने खाने लंच करने के लिए। वहाँ पे जो भी बात हुई है हम उस बात का वो करते हैं खंडन। क्या कहें कैसे कहें चुप रहे दर्द ये कैसे सहे। भाजपा के खेमे में शामिल हुई आजाद उम्मीदवार ने कुछ ही घंटों बाद भाजपा की नगर परिषद बनाने की हसरतों पर पानी फेर दिया। वार्ड नंबर 9 से बतौर आजाद उम्मीदवार जीतकर आई मीना गुप्ता ने भाजपा के साथ जाने और उपाध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पोटा भाजपा फिर से संख्या बल के लिहाज से पीछे खिसक गई है। शह और मात का खेल राजनीति में भी चलता है। वजीर कमजोर स्थिति में हो तो राजा की मात हो जाती है। पोटा नगर परिषद में भी खेल कुछ ऐसा ही चल रहा है। शाम के समय ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने वार्ड नंबर 9 की आजाद पार्षद मीना गुप्ता को भाजपा के सक्रिय सदस्य करार देते हुए नगर परिषद बनाने की घोषणा तक कर डाली। मंत्री जी ने मीनू गुप्ता को उपाध्यक्ष पद देने की घोषणा भी कर दी, लेकिन कुछ ही घंटों में मीना गुप्ता ने भाजपा की हसरतों पर पानी फेर दिया। मीनू गुप्ता सुखराम चौधरी से नाराज चल रहे उनके पुराने साथी से जा मिली और कुछ ही पत्रकारों के पास बयान जारी कर दिया। हालांकि मीनू गुप्ता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा वो भाजपा खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी था। खुद ही सुनिए कि मीनू गुप्ता ने क्या कहा। हम वहाँ पे वैसे ही गए थे घूमने खाने लंच करने के लिए। वहाँ पे जो भी बात हुई है हम उस बात का वो करते हैं खंडन। मीनू गुप्ता के टाल मटोल का मतलब साफ है कि वह भाजपा के साथ नहीं है और उन्हें उपाध्यक्ष पद भी मंजूर नहीं है। राजनीति में लोग कैसे रंग बदलते हैं ये सबको पता है। कल ऊंट किसके करवट बैठेगा ये भी कोई नहीं जानता। भाजपा का अगला गांव क्या होगा इसके बारे में भी फिलहाल क्या असी लगाए जा सकते हैं। भाजपा का खेमा छोड़ने का मीना गुप्ता ने जो कारण बताया, हालांकि उससे भी कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते। जानकारों का कहना है कि कारण कुछ और ही है। कारण जो भी हो भाजपा की मुश्किलों में इजाफा जरूर हो गया है। जितनी इज्जत बनी थी अब तक सब होगी नीलाम। बचा ले ऐ मौला ऐ राम सा क्या होगा अंजाम। बचा ले ऐ